यज्ञ कभी टूटता है, टूट जाता है। किसी ने आप प्लेन में मुसाफिरी करे कभी 12-15 घंटे तो यज्ञ की समय चला जाता, तब आंखें बंद करके श्रद्धा की अग्नि में सत्य की आहुति दी जाती है। और यही सूत्रात्मक, यही तत्वात्मक यज्ञ, ये करो। सत्य किसके आधार, आहुति किस यज्ञ कुंड में टिकेगी, तो वहां श्रद्धा अग्नि है और सत्य आहुति है। सत्य इसका, इसकी व्याख्या यह हो गई, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इसका मतलब यह हो गया मेरे भाई बहन, जो जो जहां जहां मुझे सुन रहे हैं वो सबको मैं कह रहा हूं, सत्य को धारण करे उन्हीं का नाम है श्रद्धा। दोरा धागा में श्रद्धा ही श्रद्धा नहीं है, खोखले कर्मकांड में श्रद्धा वो श्रद्धा नहीं है, चमत्कारों में श्रद्धा वो श्रद्धा नहीं है, तुम डरकर कितनी कितनी रिंगे पहनते हो वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो है सत्य तत्व का धारक तत्व। समाज कितना बीरू बन चुका है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कह कबीर कछु उद्यम। एक महापुरुष निकला शताब्दियों से पहले जिसने पूरी काशी में पंडितों के सामने बड़ी गर्जना की थी। मेरे भाई बहन मैं आप सबको कहूं, आज भी किसी ने मुझे पूछा कि हमको कहा गया कि सुंदरकांड का पाठ बैन नहीं कर सकती, 108 हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, मेरी मुलाकात करवाओ। मैं उसको समझाऊं कि भाई क्यों क्यों ये करते हो, क्यों क्यों बहन लोग हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने। तू हनुमान चालीसा कर रही तो चाय बना भी पीड़ा कर रही जन का, कि अभी 20 हुआ है वो क्या नहीं कर सकती, तुम ऐसा भेद कैसे कर सकते। और बैन लोग भी ना समझ है, कहीं दोरा धागा मंत्र जंत्र कूड़ा करकट निकलो बाहर। कल मेरे पास एक बहन एक चिट्ठी लिखी, मुझे कोई मिले बापू हमारे घर में बहुत अशांति है, एक किसी को हमने पूछा तो एक बाबा ने हमको बताया तुम्हारे घर वाली व्यक्ति ही कुछ मैली चीज तुम्हारे घर के कोने में दाट रही है, इससे सब निकल रहा है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होने वाला बाप, हरि भजो, नगद की बातें करो, क्यों इसमें फंसे हो। और मैं देखता हूं आपका आपका कोई ठिकाना नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ देखा और तुम बस गए, बाबा कृपा करो ये अरे क्या क्या, तुम खुद पर कृपा कर, तेरी आत्मा इतनी महान है, क्यों क्यों फंसे हो। मेरी बात भी तुमको भ्रांति में डाले तो मुझे भी सुनना बंद कर दो, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मेरी कोई बात आपको भ्रांत कर दे, मैं व्यासगादी का अपराध नहीं कर सकता। क्यों आप भ्रमित हो, गीता पढ़ो मानस पढ़ो हनुमान चालीसा का पाठ करो, इसमें से भी कुछ न हो तो बस ऐसा यज्ञ करो, श्रद्धा के अग्नि में सत्य को पधराओ, क्योंकि सत्य को श्रद्धा धारण करे उसी स्थिति को, उसी भूमिका को, उसी मानसिकता को, उसी विचार को श्रद्धा कहते हैं। कितना समाज भयभीत बन गया धर्म के नाम पर, घना ने आग्रह नड़े से, घना ने आग्रह तमें बीजा नड़वानु बंद करो तो बधु सरखु छे। हमारे शंकर भगवान की शादी हुई ना तो भवानी आई तो पति पत्नी निर्णय किया कि हम दोनों में कभी तकरार न हो, इसलिए कोई एकाध रिंग पहन ले कोई नंग पहन ले ताकि तकरार न हो। एक प्रश्न है हमारे पास, गुजराती में से पछी हिंदी करो कारण के मने खबर है कि लाइव टेलीकास्ट थाय छे। दाम्पत्य जीवन में घसारो थयो छे, ए स्थिति में वधारे जवाबदार स्त्री छे के पुरुष। लोगों का दाम्पत्य जीवन बिगड़ता जा रहा है,
ऐसी स्थिति में जिम्मेवार पुरुष है कि स्त्री है, दोनों? हां, मात्रा में फर्क है, कहीं पुरुष ज्यादा जिम्मेदार है, कहीं स्त्री ज्यादा जिम्मेदार हो सकती है, दोनों वत्ते अंशे ओछे मात्रा में दोनों। हां, कभी पुरुष ज्यादा होगा तो स्त्री प्रतिक्रिया के रूप में बेचारी जिम्मेवार ठहर जाती है, प्रतिक्रिया तो उठेगी। तुम दबाओ किसी को, हमारे मजबूर साहब कहते हैं छूट दो और लूट लो, दो ही पंक्ति। सबसे बड़ा दान है, मजबूर साहब की पंक्ति, सबसे बड़ा दान यह है कि सबको छूट, सबको स्वाधीन रखो, दबाओ मत किसी को। आप बहुत दबाओगे स्त्री को, बहुत दबाओ तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी, उसको बहुत सताओ, बहुत मुश्किल में डालो तो प्रतिक्रिया आएगी ही, जिम्मेवार आप हो। पर कहीं कहीं स्त्रियां यदि अतिरिक्त करें तो जिम्मेवार वो है, दोनों जिम्मेवार होंगे। परिणाम आएगा तो गौर बापा जिम्मेवार न थे, हम ही तो है। અને કામ પુકારવાનું બંધ કરો, સહન કરવાનું શીખી જાઓ। પતિ ઘર મે આયા, ચિલ્લાયા, ગરમ પાણી બના દો, ચાય બના દો, કપડે રખ દો, કમરા ઠીક કર દો। પત્નીને કહા ન કરું તો? મેં કર લુંગા, ઇસમે ક્યા બાત, લડને કી જરૂરત ક્યા હૈ, मैं कर लूंगा, इसमें क्या बात है, तू ना कर तो मैं, हिसाब करेंगे, पूरू करो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी क्यों लड़ते जा रहे। गुजराती में कहू तो कया भवने काज, कया भव, तुम क्यों लड़ते हो? लेकिन वट अहंकार और बदला लेने की वृत्ति आदमी को ज्यादा से ज्यादा संघर्ष में डुबो रही, दोनों जवाबदार। कहीं कहीं पुरुष ज्यादा जमालदार जवाबदार, कभी स्त्री जिम्मेवार। पत्नी बोली तो पति ने कहा कि चुप, मेरे सामने बोली तो, खबरदार बोली तो, एक जूता मारूंगा तो मुंह टूट जाएगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी। पत्नी जोर से हंसने लगी, अरे तू हंसती क्यों है, शर्म नहीं आती? एक जूता मारूंगा तो अभी लहूलुहान हो जाए, मोटा उठा कि हंसे, इतनी हंसे। अरे पर तू, अब कोई गुस्सा करे तुम हंसो तो ज्यादा गुस्सा आएगा ना, चुप तो चुप हो जा, खबरदार हंसी तो, और हंसे और हंसे। तो पति ने कहा मैं तुम्हें जूता मारने की बात करता हूं तो तू हंसता, हंसती क्या बात है, हंसू नहीं, 20 साल हुई शादी की है, ब्याह में आए थे तभी पैर में जूते थे, 19 साल से तो नंगे पैर घूम रहे, मारेगा कहां से तू, पड़ोसी का जूता लेकर मार, या तो मानसिक सेवा कर, संकल्पे इन समर्पितम। कोई कारण नहीं है, तो शिव जी ने पार्वती को कहा कि शादी हुई है कोई नंग पहन ले ताकि घर में तकरार ना हो। तो पार्वती ने कहा आप भी ये नंग बंग में सब मानते? बोले हाँ, मंगल का ग्रह पहने, नंग मंगल की वींटी पहने हम दोनों रात दिन। तो बोले बनवाओ, बोले तैयार है। तो कौन सी? तो शंकर भगवान ने कह दिया, मंगल भवन अमंगल, पहन लो मंगल भवन। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। दोनों ने प्रभु का मंगलमय नाम की वीटी पहन ली, कभी तकरार नहीं हुई। पैर भी हो तो आ वीटी पहनो। डोरे धागे टाना टूना इनमें से बाहर निकलो। अब आ छोकरा छोकरियों ना लगन माटे आ कुंडली मेळवानी जे वातु छे,
कुंडली मळी होय तो बिचारा कुंडाळे पीड्या होय। अब देहातों में हिंदुस्तान में देखिए, देहात में लोग जो ब्याहते किसान, कभी किसी ने कुंडली जन्माक्षर नहीं दिखाया, अने आधा रोटी खाकर लहर करते हैं, मौज में रहते हैं, अने कुंडलियों जड़े फिट जन्माक्षर किया नहीं, ये तो लगन हजी थवाना बाकी हो, चांदला था ये ना पहला धड़ाधड़ी। इसके इसका मतलब ये नहीं कि विद्या के बारे में मैं कुछ वो कर, लेकिन तुम इतने भीरू क्यों हुए हो? इन समस्याओं के जन्मदाता तुम हो, कोई ज्योतिषी कैसे उसको निपटाएगा? लेकिन लोगों को भीरू बना दिया सबको, एक करो एक करो। तुम भी मन देव लागे कर जेने जेवु जो एवं मिली जाए, आम कोई ना वाक काटवा जेवु नहीं, दुनिया ही पाछी एवी छे, अमारे क्यारे बधु सरखु थई जाय, सरखु जतु ते बगाड्यु छे, क्यारे सरखु थई जाय, हरी भजो।